सुना आपने? क्या? हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण में प्रयासरत विभिन्न श्रेणियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, विजेता प्रतिभागी को नगद पुरस्कार व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। भाई वाह, आइए इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने का प्रयास करें। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। जिला सोलन पत्रकार संघ की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय बैडमिंटन लीग का आज विधिवत रूप से समापन हो गया। समापन अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने शिरकत की। समापन समारोह में बघाट बैंक चेयरमैन पवन गुप्ता ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैडमिंटन प्रतियोगिता के एकल में मोहन चौहान व युगल में अनुराग व विशाल प्रथम रहे। इससे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का बैडमिंटन हॉल पहुंचने पर जिला सोलन पत्रकार संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। इस बैडमिंटन लीग में जिला सोलन पत्रकार संघ के 3 दर्जन से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और पत्रकारिता के साथ साथ अपनी खेल प्रतिभा को भी बैडमिंटन हॉल में प्रदर्शित किया। इस मौके पर जिला सोलन पत्रकार संघ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल को सोलन में प्रस्तावित प्रेस क्लब भवन निर्माण के कार्य को शुरू करने के संदर्भ में अपना ज्ञापन। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में खेलकूद गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन पत्रकार संघ नशा निवारण अभियान के साथ साथ अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आज जिला पत्रकार संघ सोलन ने यहाँ पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया था, और इस प्रतियोगिता की विशेषता ये थी कि इसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे वो सभी हमारे सम्मानित पत्रकार मित्र थे। मैं जिला पत्रकार संघ को अपनी ओर से बधाई दूंगा कि पत्रकारिता के अपने जो उनका व्यवसाय है, पेशा है, उसके अलावा उन्होंने कई सामाजिक सरोकारों को भी अपनाया। हम अगर ड्रग मिनेस के खिलाफ हम मुहिम की बात करें तो जिला पत्रकार संघ सबसे आगे होता है। हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो ये गर्व की बात है कि जिला पत्रकार संघ सबसे आगे होता है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात है तो उसमें भी हमारा पत्रकार संघ जो है सबसे आगे होता है। इस प्रकार पूर्व में भी मैंने अनेक ऐसी खेल गतिविधियों का आयोजन जो है जिला पत्रकार संघ को करते हुए मैंने देखा है। ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हैं वो जिला पत्रकार संघ के माध्यम से होते हैं। ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है वो भी जिला पत्रकार संघ के माध्यम से हो रहे हैं। तो इन सब गतिविधियों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिला पत्रकार संघ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, और ये बिल्कुल सत्य है कि वो समाज का मार्गदर्शन भी करते हैं और समाज को दिशा भी देते हैं। और मैं देख रहा था जब ये प्रतियोगिता चली हुई थी, बहुत से बच्चे जो थे अंदर बैठे हुए, तो बच्चों को प्रेरणा देना ये काम भी पत्रकार जन जो हैं, हमारे जो मित्र हैं पत्रकार मित्र, उनके माध्यम से ये काम भी है। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।